तो आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं हूं हरीश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए एक अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरीश सर, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेंटल मैथ क्लास 10th का लिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आइए रीड कर लेते हैं। आप अपने मेंटल मैथ में देख सकते हैं, बिल्कुल इजी है जैसे क्वेश्चन नंबर अभी किया था ना हमने लास्ट वाला 12, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। एच शेप ऑफ टू नंबर इज 11 and their LCM is 616 और फर्स्ट नंबर गिवन है 88, अदर नंबर फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इजी, आप माइंड में कर सकते हैं या एक तरफ लाइन लगा के उसको जल्दी से आप उसको कर सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में बताता हूं। तो ये देखिए अदर, ठीक है बच्चों, अदर नंबर हमें कैसे फाइंड करना है यहाँ पर। तो LCM इंटू HCF इस तरीके से आपको लिखना है। तो 11 इंटू 616 और यहाँ पर फर्स्ट नंबर से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको निकालना है। देखो यहाँ पर 11 वन जाए 11, 11 8 जाए, ठीक है हो गया डिवाइड। अब 8 से इसको करते हैं, 8 वन जाए 8 और यहाँ पर 8 7 जाए 56, ठीक है यहाँ पर ये आ गया। और 56 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 5 बचेगा और 6, तो 8 7 जाए 56, तो अदर नंबर आ गया बच्चों 77, ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 लिख लिया है मैंने और चलते हैं, बहुत इजी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज इन द फॉलोइंग, ये नीचे दो लिखे हैं। देखो एक तो प्लस में लिखा हुआ है और एक मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो दोनों की मैं टैग आपको बताऊंगा। अगर आपके कंपटीशन में आता है तो आप उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करनी है, यानी लास्ट से करनी है। लास्ट में कितनी जीरोज होंगी, बीच में जीरो आएगी उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, अगर प्लस वाला कोई भी नंबर आता है, प्लस वाला अगर कोई भी नंबर आता है उसमें जो मिनिमम जीरो होंगी वही जीरो के संख्या होगी। देखो यहाँ पर 5 है 4 3 2, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज आएगा इसको जब हम ऐड करेंगे नंबर ऑफ जीरोज आएगा तो इसमें आएगा 2, तो ये आपका आंसर बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट मल्टीप्लाई में। देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, तो मैं आपको एक ही मेथड आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, 5 को 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10 और टोटल जीरो कितनी है 1 2 और 3, इसमें 5 हो गई तो 5 लगाते 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और यहाँ पर इंटू का साइन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है 125 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 125 8 का होता है 1000, ये 1000 मैंने लिख दिया है और 4 जीरो इसमें है और 5 जीरो इसमें है, तो 5 और 4 9, तो 9 जीरो लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है समझ में आ गया। अब आप इसको जीरो को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 जीरो होंगी बच्चों। आपके जो मेंटल मैथ में आंसर गिवन है वो रोंग है, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अगर आता है, तो अगर इस तरीके का कोई और क्वेश्चन आता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको 5 और 2 के फैक्टर में डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का जीरो जाता है तो 5 और 2 का फैक्टर वो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे, मिलते हैं हम, मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।